नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप एक बार मेरे इस तरीके से रायता ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बूंदी। उसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी बेसन। भगोनी लेंगे और उसमें इस बेसन को खाली करेंगे। और इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे करके और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ये हमारा बैटर अब हो गया है तैयार और इसको ऐसे हम देखेंगे एक साथ गिर रहा हो, बस बैटर तैयार। 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जब तक बैटर रेस्ट पर है, अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। ली है मैंने 7-8 हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती और 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच डालेंगे काला नमक को हम दरदरा पीसेंगे। ये पिस चुका है, ऐसा दरदरा ही पीसेंगे। और ये देखिए हमारा अब 10 मिनट बाद बैटर रेडी हो चुका है। अब बूंदी बनाने के लिए हमने ले ली एक कढ़ाई और उसमें ऑयल डाल दिया। अब ऑयल को हम देखेंगे 2-3 ड्रॉप बैटर डाल के गरम हुआ कि नहीं। गरम हो चुका है, अब बनाते हैं बूंदी। यहाँ पर एक झारा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। इनको चलाते हुए पकाएंगे। Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? और ये पक चुके हैं, अब इनको हम निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है जिससे सारा ऑयल नीचे निकल जाएगा। सारे बैटर से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। सारी बूंदी बनकर तैयार है, अब इसे एक प्लेट में ले लेंगे। और एक बाउल मट्ठा लिया है, एक भगोनी लेंगे और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच सरसों डालेंगे। अब ऑयल की गर्म होते हुए सरसों अच्छे से भुन जाए तो फिर 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मट्ठा।
अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डालेंगे, और पहले भी हम नमक डाल चुके हैं काला नमक। इसमें डालेंगे हम बूंदी और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम जो हमने बना के रखा था हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट। इससे रायते का बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारा रायता है बन के तैयार। अब इसे हम करेंगे सर्व। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनके है तैयार। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun?